सूजी से तो आपने हजारों तरीके की रेसिपीज बनाई होंगी। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा और सूजी से बनी ये बहुत ही आसान, नई और एकदम चटपटी सी रेसिपी, जिससे आपकी शाम की चाय का मजा दुगुना हो जाएगा। और इसके साथ ही बनाएंगे एकदम चटपटी सी नए तरीके की चटनी, जिससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो ज़रूर से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप पोहा और आधा कप के आसपास सूजी। पोहा मेरे पास जो है वो थोड़ा मोटा वाला है, आप चाहें तो बारीक वाला या पतला वाला आपके पास हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमने सूजी ली है वो भी मैंने मोटी वाली ही ली है, अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पोहे को क्या करेंगे, हम एक बर्तन में डालेंगे, अच्छे से धोएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको सोक करने रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम एक पैन रखेंगे गैस के ऊपर और इसमें डालेंगे हमारे ये आधे कप सूजी, और इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भुनना है। ध्यान रहे कलर हमें इसका चेंज नहीं होने देना है, नहीं तो आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये कि सूजी अगर ज़्यादा भून देंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा आपको मिलेगा रेसिपी में। तो देखिए अच्छी तरीके से भुन गए हैं और इसका कलर भी डार्क नहीं हुआ है। तो अब हम इसको डाल देंगे एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल के अंदर, जिसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला सकें। ये देखें, सूजी को थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। अब भाई सूजी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा दही डालने से अच्छा टेस्ट आता है, वैसे अगर दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। अब लिया है मैंने आलू, और ये मैंने लगभग 3 बड़े साइज़ के आलू थे जिसको मैंने अच्छे से उबाल कर और अच्छे से मैश कर लिया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू डालने के साथ ही कुछ सब्जियां डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची ली हुई है लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास, कोई से भी कलर वाली आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डाल देंगे स्वीट कॉर्न, ये बॉयल किए हुए नहीं है, कच्चे स्वीट कॉर्न डाले हैं मैंने। साथ ही 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च डाल देंगे 2 से 3, तो अपने हिसाब से तीखा आप एडजस्ट करें, कम ज़्यादा। अब डालेंगे इसमें अदरक, तो 1 इंच अदरक को मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है। साथ ही मैंने लहसुन लिए हैं, ये मैंने 4 से 5 लहसुन को बहुत ही बारीक बारीक चॉप किए हैं, आप चाहें तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा कूट करके पेस्ट बना करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। मेरे पास ये देखिए 2 छोटी चम्मच के आसपास मैंने सीजनिंग ली है, जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं ना, बस ये वही है। इसका टेस्ट बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 2 छोटी चम्मच सीजनिंग डाल दी है मैंने, एक अलग सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है पेरी पेरी मसाला, ये मैंने 2 छोटी चम्मच के आसपास ही ली है, इसकी जगह पर आप गर्म मसाले का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स, और ये ऑप्शनल है। ढेर सारे हरे धनिए के पत्ते ऐड करेंगे, लगभग 4 टेबलस्पून डाले हैं मैंने बारीक काट करके। और अब यहाँ पर पिज़्ज़ा का फ्लेवर दे ही रहे हैं, तो 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें पिज़्ज़ा सॉस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इससे स्किप कर लें, या फिर इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से, और अब बारी आती है अच्छी सी बाइंडिंग देने की। तो हमने यहाँ पर जो पोहे को अच्छी तरीके से भिगो करके और देखिए धो करके रखा था ना, ये देखिए बढ़िया से ड्राई हो गए हैं, और अगर आप इनको उंगलियों में इस तरीके से दबाएं तो ये देखिए मैश हो रहे हैं। इतना ही हमें इसको अच्छी तरीके से फुलाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको डाल देते हैं पूरा हम इस मिक्सर के साथ। आप चाहें तो पोहे के बजाय यहाँ पर कोई से भी आटे का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मैदा या गेहूँ का आटा, ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। पोहा बहुत ही हेल्दी ऑप्शन था इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। तो चलिए अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर नहीं देना चाहते हैं तो जीरा धनिया पाउडर या फिर गरम मसाला डालकर इसको आप अच्छी तरीके से अपने हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। इसमें हमने पानी या फिर और कुछ भी ऐड नहीं करना है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है देख सकते हैं, इतना ही ये गाढ़ा होना चाहिए। इसमें पानी वानी कुछ भी ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, फिर आप इसको अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी चीज़, तो अगर आपके पास क्यूब वाली चीज़ है तो वो आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। मेरे पास ये स्लाइस वाली चीज़ है, तो ये 2 स्लाइसेस मैंने लिए हैं, ये पूरे स्लाइसेस हम इसमें डालेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पूरे मिक्सचर में ये चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप यहाँ पर कोई सी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मोज़ेरेला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल चीज़ भी। तो यहाँ पर तोड़ तोड़ कर मैंने डाल दिया है, अब इनको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ये मिक्सचर में बढ़िया से घुल मिल जाए। ये देखिए, और चीज़ का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आप इसको कुक करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए चीज़ अच्छी तरीके से मिक्सचर के साथ मिल गया है, ये देखिए। तो अगर आपको चीज़ पसंद हो तो डालिएगा, नहीं पसंद हो तो आप इसे हटा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक
ट्रे लिया है इस तरीके का, आप कोई से भी थाली का यूज़ भी कर सकते हैं या कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा घी, तेल या फिर बटर लगाकर अच्छे से चिकना कर लेंगे इसको। स्पेशली कोनों पर ज़रूर लगाइएगा ये देखिए, ताकि आसानी से ये निकल सके। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको बढ़िया से सेव करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की सीट इसके अंदर बिछा दूंगी, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो आसानी से निकल जाए, हमको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर घी लगाने के बाद हम इस प्लास्टिक की सीट को इसके अंदर लगा लेंगे। अगर आपके पास नहीं है प्लास्टिक की सीट, आप एल्युमिनियम की फॉइल भी ले सकते हैं या फिर बिना सीट के भी बना सकते हैं। तो अब बारी आती है मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं पूरा, और यह थिकनेस देख सकते हैं इसकी, ये बिल्कुल भी ज़्यादा चिपचिपा नहीं है और एकदम गाढ़ा सा है। अब इसको क्या करेंगे, हाथों पर हल्का सा तेल लगाकर बढ़िया से स्प्रेड कर लेंगे और ट्रे में एकदम इक्वल हमें इसको फैलाना है। ऊपर की लेयर को हम थोड़ा सा इस तरीके से चिकना कर लेंगे, ताकि ये अनइवन सा ना दिखे और एकदम बराबर और स्मूथ दिखे। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा ये स्प्रेड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। चलिए सबसे पहले इसको फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, और तब तक हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने लिए है एक मिक्सी का जार, और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, ये देखें, और इसके साथ ही 1 कप डाल देंगे इसमें हरे धनिए के पत्ते। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। 1 कप धनिए के पत्ते डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और थोड़ी सी सौंफ। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे छील लिया है और छोटे पीसेस में काट लिए हैं, 3 लहसुन की कलियाँ और लगभग आधी छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया डालेंगे इसके अंदर, और अब डालेंगे इसमें मेयोनीज 1 टेबलस्पून के आसपास। आप चाहें तो इसकी जगह पर दही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही खट्टी ना हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस, ये देखिए नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, जिससे कि जैसे ठेले वाले देते हैं ना चटनी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। और चलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेते हैं। ये देखिए चटनी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, और एकदम मज़ेदार और एकदम चटपटी सी चटनी हमारी तैयार होती है। आप इसको रोटी, पराठे या किसी भी नाश्ते के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ग्लास के जार में और एयर टाइट बॉक्स में अगर रखेंगे तो ये काले भी नहीं पड़ेंगे। तो ज़रूर से बनाइएगा चटपटी से चटनी को। अब यहाँ पर हमने वापस एक मिक्सी का जार लिया है, और मेरे पास है 3 ब्राउन ब्रेड यानी आटे वाला ब्रेड। आप कोई से भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, अगर ब्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस को हम इसमें डाल देंगे तोड़ करके, और इसको भी हम पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारे पास घर का बना हुआ बहुत ही आसान सा और एकदम बढ़िया ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको कढ़ाई में डाल करके भून लीजिए, और आप इसको एयरटाइट बॉक्स में रख कर फ्रिज कर सकते हैं। और अब चलिए बनाते हैं एक घोल। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी सी मिक्सिंग बोल ली है, और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। आप यहाँ पर मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं। इसमें आप थोड़े से नमक और लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक अलग सा टेस्ट देने के लिए इसमें डाला है सेजवान सॉस या फिर सेजवान चटनी। तो यहाँ पर 2 छोटी चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नमक, लाल मिर्ची और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और एकदम पतला सा घोल हमें तैयार करना है। ध्यान रहे गुठलियाँ ना रहे इसमें, इसलिए अच्छी तरीके से इनको घोल लीजिए, और एकदम सा पतला हमें तैयार करना है इसको। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लोइंग होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है, चलिए इसको अब साइड में रखते हैं। और लगभग 30 मिनट के बाद ही मैं इसे निकाल रही हूँ, देखिए हल्का सा ये हार्ड हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। तो प्लास्टिक लगाने की वजह से ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं कम समय में। आप इसको चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, मैंने बहुत ही जल्दी इसको निकाल लिया है। और ये देखिए प्लास्टिक सीट लगाने की वजह से ये पूरा निकल जाता है इस तरीके से। इसको निकाल कर हम किसी भी थाली या फिर ट्रे में रख लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसके पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। आप चाहें तो बर्फ़ी की शेप में भी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कट कर लें। इसको फ्रिज में रखने का एक ही हमारा मकसद था कि हम इस नाश्ते को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीजर में। जब आपको खाने का मन करे आप इसको गर्मा गर्म फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। तो इसको आप स्टोर करने के लिए इस तरीके से जो टिक्कियाँ हैं इनको निकाल लीजिए, और एयर टाइट बॉक्स में रख कर फ्रीजर में आप इसको लगभग 7 से 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं और ताज़े भी रहते हैं। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। और अगर आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना और झटपट बनाना है, तो क्या करें, वो जो मिक्सचर हमने बनाया था उससे आप छोटी छोटी टिक्कियाँ या इस तरीके की बर्फ़ी के शेप में बना सकते हैं, और फटाफट आप इनको कुक कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं।
देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स भी तैयार है और घोल भी। अब हम क्या करेंगे, ये एक एक करके हम इनको डाल देंगे घोल के अंदर। देखिए कितनी पतली स्लरी बनाई है मैंने, एकदम हल्का सा कोटिंग होना चाहिए और बस इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर हम कोट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सेवैयाँ ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए और यूज़ कर सकते हैं, या फिर सूजी है ना उसको भी भून लीजिए और अच्छे से इसके ऊपर चिपका लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए सारे हम इस तरीके से बना लेते हैं, फिर हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, एक एक करके हम इनको डालते जाएंगे और एक बार में बहुत सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और अच्छे से इनको गोल्डन और क्रिस्प होने तक हमें सेकना है। तो ध्यान रहे फ्लेम को हमें पूरी तरीके से हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो सके और बाहर से भी बढ़िया से गोल्डन और क्रिस्प हो जाए। सारे हम इसी तरीके से तल लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये लीजिए एकदम लाजवाब चटपटा और टेस्टी सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, शाम की चाय का मज़ा दुगना हो जाएगा इसे खाने के बाद से। बहुत ही क्रिस्प और अंदर से बहुत बहुत सॉफ्ट लगते हैं ये, और साथ ही कई सारे फ्लेवर आपको इसमें मिलेंगे, पिज़्ज़ा का फ्लेवर और साथ में कटलेट का फ्लेवर भी मिलेगा। चटनी तो हमने बनाई है वो बहुत ही लाजवाब है, ये बाहर से जितने ज़्यादा क्रिस्प दिख रहे हैं ना अंदर से उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्प हैं और ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं, अगर ठंडे भी हो जाते हैं ना तो ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं। देखिए जो चीज़ थी वो भी बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है। तो आप चाहें तो चीज़ इसके अंदर स्टफ़ भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चीज़ ही पसंद है तो ज़रूर से इस तरीके से बनाइए। नई नई रेसिपीज़ की और भी लिंक आपको देखनी है नाश्ते की, तो वीडियो के नीचे मैंने ढेर सारी रेसिपीज़ के लिंक दे दिए हैं, जाकर ज़रूर से देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी हर दिन के नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए इन्जॉय कीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।